जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन मेहता। मैं अपने YouTube चैनल पे आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, मीन्स हम लोग देखेंगे कि बिहार में जो है नीतीश कुमार RJD के साथ और दूसरे 6 पार्टियाँ इसके साथ जो गवर्नमेंट बनाया है, तो गवर्नमेंट बनाने के बाद नीतीश कुमार के पास जो एक बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन फेल्योर होता जा रहा है। जब बातें उठती है तो नीतीश कुमार के बाद या नीतीश कुमार के ऊपर जब आदमी कमेंट करते हैं कि अभी के गवर्नमेंट में, मीन्स अभी जो नई गवर्नमेंट बनी है उसमें जो है नीतीश कुमार कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि RJD का जो है बैकग्राउंड जो है कुछ अलग तरह का रहता है और वो अलग तरह के हैं। जो भी RJD के कार्यकर्ता होते हैं या सपोर्टर होते हैं, तो वहाँ पे जो बहुत से ऐसे पब्लिक हैं जो नीतीश कुमार को सपोर्ट करते हैं, या फिर बहुत से ऐसे पार्टी जो JDU से जुड़े हुए कहते हैं कि BJP के समय में भी ऐसा होता था। लेकिन बात ये उठती है कि BJP के समय में या RJD के समय में, लेकिन होम मिनिस्ट्री नीतीश कुमार का है और नीतीश कुमार अपने पास जो है ना 17 ईयर से होम मिनिस्ट्री रखे हुए हैं, और कहने का ये भी है कि वो मुख्यमंत्री भी हैं। अगर किसी गवर्नमेंट का, किसी भी गवर्नमेंट का सर्वोच्च परी होना और साथ में जो है पुलिस का जो डिपार्टमेंट है उसको भी अपने पास रखना, इस पोजीशन में अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वहाँ में जो क्राइम बढ़ता जा रहा है, तो दूसरे के ऊपर कहना गलत है कि ये BJP के समय में होता था या फिर ये RJD के समय हो रहा है। ये पूरा फेल्योर नीतीश कुमार का है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 70 ईयर से रहे, 17 साल से रहे हैं, और साथ में वो होम मिनिस्ट्री अपने पास रखते हैं। केवल वो फेक या झूठा बोलते सुशासन, कैसा सुशासन? अगर सुशासन है तो फिर मर्डर क्यों होती है, किडनैप कैसे क्यों होती है, जो है अलग तरह से ऑफिशियल का मनोबल क्यों बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, उसके खुद के मिनिस्टर बोलते हैं कि ऊपर से नीचे तक बिहार के हर डिपार्टमेंट में, बिहार सरकार का जितने भी डिपार्टमेंट है वहाँ पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आखिर भ्रष्टाचार फैला हुआ है तो फिर नीतीश कुमार का कैसा सुशासन? मीन्स ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि सुशासन सुशासन बोलने से नहीं होता है, सुशासन को लागू करने से, सुशासन करने से होता है। जैसा कि अभी आप देखे हुए हैं कि प्रशांत किशोर जो है बहुत तरह से कमेंट कर चुके हैं नीतीश कुमार पर, डायरेक्टली कमेंट कर चुके हैं जो है कितना डैमेज कर चुके हैं, और नीतीश कुमार का कोई पॉपुलैरिटी अब नहीं रहा, बहुत पहले रहा करता था लेकिन पिछले 10 ईयर से उनका पॉपुलैरिटी घटता गया है। और वो जो है अगर आप गाँव में के ये जाएंगे या किसी रिमोट एरिया में जाएंगे, नीतीश कुमार के बारे में पूछेंगे तो वहाँ पे आदमी नीतीश कुमार को गाली ही देता है, लेकिन पब्लिक जो है, मीन्स पब्लिक का कहने अथवा यहाँ की जनता, JDU से जो कुछ टॉप लेवल के नेता हैं वो नीतीश कुमार को झाड़ पर चढ़ा दिए हैं। अपना कोई अस्तित्व नीतीश कुमार का नहीं है अभी के फिलहाल पॉलिटिक्स में, बिहार में भी, लेकिन वो जो है ना प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देख रहे हैं। जो बिहार में अपना खुद का गवर्नमेंट नहीं बना सकती है, वो बिहार में खुद का जो है अपने बल पे राज नहीं कर सकती है। अपना CM पोस्ट बनने के लिए 2-6 महीना किसी के साथ, 2 साल किसी के साथ, 1.5 साल किसी के साथ रहना, मीन्स वो दल बदलू या पलटू राम की तरह काम करते हैं, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर बनने की सपना देखते हैं। क्या इनका जो एक पलटू राम का एक्टिविटी है, अदर पार्टी जो है स्टेट लेवल में, अदर स्टेट लेवल में जो है अदर पार्टी जो है जिसको ये मिलके प्राइम मिनिस्टर बनने की सपना देखते हैं, वो क्या इनके एक्टिविटी नहीं देखते हैं?
अब उसे देखते हैं तो क्या इनको सपोर्ट करेंगे, उनको डर नहीं है कि कभी किसी के साथ ये भाग जाएंगे। इसलिए जो है नीतीश कुमार के ऊपर बहुत ही धब्बा लग चुका है कि लॉ एंड ऑर्डर इनका बहुत फेल हो गया है, और ये लॉ एंड ऑर्डर फेल होने के कारण आम पब्लिक परेशान है बिहार में। आउट ऑफ बिहार के आदमी जो है ना, बिहार को एक क्रिमिनल स्टेट के रूप में जाना जाता है। नीतीश कुमार के बारे कहते हैं जो वहाँ के पब्लिक मीन्स आउट ऑफ बिहार के जो पब्लिक है, अरे नीतीश कुमार तो केवल बोलता है सुशासन, लेकिन सुशासन तो जमीन पर है ही नहीं। तो लास्ट यही कहूँगा इस वीडियो से कि नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हो गए हैं जो खुद का अपना पहचान नहीं है, लेकिन झूठा पहचान का ढिंडोरा पीटते हैं, और एक मुख्यमंत्री होते हुए, एक होम मिनिस्ट्री का हेड होते हुए भी जो है ना सुशासन का वर्ड देते हुए भी स्तर पे सुशासन दिख नहीं रहा है, और क्राइम बढ़ बढ़ के जो है आसमान पहुंच चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आप मेरे चैनल से जुड़ सके। थैंक यू। भारत माता की जय।